हेलो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था चने दाल का हलवा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिक रेसिपी, एक यूनिक स्वीट डिश। आइए मैं बताती हूँ। इसे मैंने एक कटोरी उड़द की धुली दाल, जिसे धोइया भी कहते हैं, उड़द की वाइट दाल जो होती है बिना छिलके वाली, ये मैंने उसको एक कटोरी लिया था और उसको मैं 5-6 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब मैंने धुल के और उसे, ये देखिए, ये निकाल लिया है, यहाँ पे साफ उसका पानी निकाल दिया है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ काजू बादाम, आपके पास और भी जो ड्राई फ्रूट्स हों वो आप ले सकते हैं। ये मैंने कुछ 4-5-6 दाने इलायची के लिए हैं, छोटी इलायची, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। और ये मैंने 2 पैकेट मतलब 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इस रेसिपी को हम अमृत वड़ी कहते हैं, अमृत वड़ी। आपने इसके पहले, पता नहीं ये रेसिपी कभी ट्राई की है या नहीं की है, एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये उड़द की दाल को, भीगी हुई दाल को मैंने ये मिक्सी जार में डाल लिया है और अब मैं इसको ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने उड़द दाल का, देखिए, पेस्ट तैयार कर लिया है, उसको अच्छे से पीस लिया है। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ये दाल पीसते समय उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, जिससे कि ये बैटर बहुत पतला हो जाए। देखिए ये कैसा सूखा सा है, जब ये सूखा ही रहना चाहिए। और ये मैंने एक कटोरी चीनी ली है, छोटी कटोरी से, ये लगभग 100 ग्राम चीनी होगी, 100 से 125 ग्राम होगी। चीनी तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और दाल भी मैंने जो ली थी वो 125 ग्राम होगी, 125 ग्राम मैंने दाल ली थी। यहाँ मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने घी गरम होने को रख दिया है। ये घी हमारा अब लगभग गरम हो चुका है। और देखिए, ये जो मैंने 1 लीटर दूध लिया था उसको भी मैं बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी थोड़ा। ड्राई फ्रूट्स में आप और भी कुछ ले सकते हैं, आप पिस्ता ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, जैसी मतलब आपको अपनी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। अगर आपको नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट्स डालना, तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी इसका टेस्ट कोई ख़राब नहीं होगा, तब भी ये उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए ये हो गया है लगभग, इसको हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, नहीं तो इससे इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, इसका सौंधापन ख़त्म हो जाता है, जो एक अच्छी सी मिठास रहती है इसमें। ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया था मैंने फ्राई करके, अब इसमें मैं ये दाल का जो बैटर था उसको मैं इसमें डाल के इसको पकौड़ियों की तरह से निकाल लूँगी, छोटे छोटे गोले बना के। अब मैं इसको पलट रही हूँ।
देखिए अब मैं इसको पलट रही हूँ, इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। ये देखिए इसका कलर पूरा बदल गया है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। और अब इसे मैं इसमें से निकाल लूँगी, इसको मैं यहाँ प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरह जो बाकी बचा हुआ पेस्ट था बैटर, उसकी भी हम ऐसे ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ देखिए सारे बैटर की मैंने कुछ इस तरह से ये पकौड़ियाँ बना के निकाल ली हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में से सारा घी निकाल लिया है और अब मैं इसमें जो ये 1 लीटर दूध ये मैंने गर्म किया था बॉयल दूध, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। ये सारा दूध मैंने अब इसमें डाल दिया है, इस कढ़ाई में 1 लीटर दूध जो था। अब इसमें जब एक बार हल्का सा बॉयल आ जाएगा, ये वैसे गर्म ही है थोड़ा सा, और अभी इसमें ये बॉयल आ जाएगा तो इसमें ये मैं ये बढ़िया मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये दूध देखिए फिर से ये उबाल इसमें आने वाला है, ये यहाँ से गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें ये सारी बढ़िया डाल देती हूँ। ये गरम गरम बढ़िया हैं और जब ये गरम गरम दूध में पड़ती हैं तो ये धीरे धीरे एकदम अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसे हम ऐसे ही थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने को छोड़ देंगे। ये कैसे देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है और ये बढ़िया जो हैं ये अपने अंदर ये दूध एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि ये रसमलाई की तरह बिल्कुल। ये बढ़िया देखिए कैसे अब फूल के बड़ी बड़ी हो रही हैं इसमें। अब मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स था ये मैं आधा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देती हूँ। ये साथ में थोड़ा इसमें अभी डालने से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। यहाँ पर ये देखिए कैसे ये बढ़िया फूल के मोटी मोटी सी हो गई हैं। ये लगभग दूध भी अब ये गाढ़ा हो चुका है, अभी ठंडा होने पे क्या होता है कि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी पड़ चुकी है, अब चीनी डालने के बाद भी अभी हम इसे मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे, मीडियम नहीं, हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे चीनी अच्छे से पूरी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। चीनी भी अब पूरी तरह से मिल चुकी है इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए दूध की, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है और इसको ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे क्योंकि अभी ये ठंडा होने पे थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे।
इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट के लिए और गैस पे रखेंगे ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये इसमें सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, चीनी सब मिक्स हो गया इसमें अच्छे से। और ये देखिए देखिए किस तरह से बढ़िया फूल के बड़ी बड़ी हुई हैं। ये तो फट भी गई, इतनी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। ये मैंने सर्विंग बोल में इसे निकाल लिया है। ये देखिए आप, देख कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे फ्रिज में रख के इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, या अगर आपको पसंद आए तो आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। कभी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या घर में ही कभी कुछ अच्छी सी स्वीट डिश खाने का मन किया तो आपको बाहर से मिठाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।